यहाँ पर चमगादड़ की बहुत गंदी स्मेल आ रही है। यही वो काली घनी गुफा है जहाँ पर 5 पांडव रहते थे। देखिए कितना अंधेरा है। अब यहाँ पर सिर्फ लकड़ियाँ और तनस भरी है। अंदर जाने पर और कुछ भी हो सकता है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस खतरनाक गुफा के अंदर। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज हूँ मैं पन्ना शहर के इस पर्यटन क्षेत्र पर, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पांडव फॉल। ओके, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आउटर लुक, यहाँ पर देखिए मैप बना हुआ है। इस मैप में सारी चीज़ें लिखी हुई है। जंगल में गेट के अंदर जाने के बाद ये जो मैप दिया है, हमें बस इस मैप के थ्रू इतना ही, ये रास्ते से इतना ही घूमने की परमिशन है। इसके आसपास इधर उधर हम नहीं जा सकते। ओके, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व एरिया है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा म्यूज़ियम भी है, कुछ चीज़ें अगर आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये इसका टिकट काउंटर है जिसकी टिकट है 25 रुपये एक पर्सन की। अपनी व्हीकल अंदर ले जा सकते हो, ज़्यादा वैसे भी चलना नहीं है, 1 किलोमीटर के दायरे में सारे पॉइंट है, पर आप अपनी बाइक या कार उससे जा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सी प्लेस है। रास्ते में हम बढ़ रहे थे पन्ना से खजुराहो रोड की तरफ, तो हमें ये स्पॉट मिला, हमने देखा और डिसाइड किया कि यहाँ पर भी जाना चाहिए। तो वैसे जहाँ पर भी जो जो जगह मिल रही है हमें, हम वो सारी जगह को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं इस रास्ते से आगे और घुमाते हैं आपको ये पांडव फॉल। ये वो एरिया है और ये पार्किंग लॉट है। यहाँ पर हमने हमारी बाइक पार्क कर ली है और यहाँ से अब हम जाएंगे। आपको देखिए धीरे धीरे वाटरफॉल का साउंड सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर पांडव फॉल, पांडव वाटरफॉल और पांडव केव्स भी है। पानी की सुविधा मिल जाती है, यहाँ से ठंडा ठंडा पानी पीजिए। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में जिस तरह से यहाँ पर बड़ी सी झील बनी हुई है, और ये जो झील है आने वाले इस झरने से बनती है। ये झरना है, बहते हुए आता है और ये झील बनती है। गाइस ये बहुत सुंदर जगह है और मैं तो चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए दोस्तों। ये देखिए कितनी गहरी ये झील है और रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ से झील तक जाने का। मैं पूरा रास्ता यहाँ पर कवर करूँगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो फॉल्स है, जो बनती हुई ये जो नदी है, पहले झील है और ये नदी फिर बहते हुए आगे जाती है, और इसी नदी में ऐसे कई फॉल, कई सारे झरने बनते हैं। झरने पे झरने। पन्ना झरनों का शहर है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती है। ये है, सबसे पहले आपको ये व्यू दिखाते हैं इधर का। ये देखिए काफ़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत ये जगह है। और फिर यहाँ से ये देखिए, ये है झील और झरना। देखिए कितना खूबसूरत ये झरना। तो गाइस अब बढ़ते आगे की ओर, बहुत सुंदर, ये देखिए बहुत प्यारी ये जगह है दोस्तों, बहुत सुंदर। और ये झरना तो बहुत सुंदर है, स्टेप बाय स्टेप इतनी खूबसूरती से ये नीचे उतर रहा है। ये देखिए गाइस अब चलते आगे बढ़ते। ये देखिए मतलब घने घने पेड़ों की छाव में हम यहाँ पर हैं। इतनी खूबसूरत ये जगह देखिए, वाह, ऊँचे ऊँचे पेड़ और घने पेड़ों के बीच हम हैं यहाँ पर। और ये है दोस्तों यहाँ की खासियत, ये डेवलप्ड, बाकी तो बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे फॉल हैं, पर इसे डेवलप इसलिए किया गया क्योंकि ये पांडव जो थे, 5 पांडव, ये उनकी यहाँ पर केव है, जिसे कहते हैं पांडव गुफा। पानी गिर रहा है काफ़ी ऊपर से, उस झरने में तो नहीं जा सकते हम, पर यहाँ के झरनों को फील कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, और इस वजह से ये जगह बहुत ठंडी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा, एकदम चिल्ड, ऐसा लग रहा है एसी वाले रूम में आ गए। बहुत बढ़िया ये जगह है दोस्तों, आइए चलते हैं और एक एक रूम में हम जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी ये गुफाएं जैसी बनी है, इसे पांडव के उस पांडव गुफाएं कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये कोई बरसात नहीं है दोस्तों, बारिश नहीं हो रही है, ये ऊपर से पानी गिर रहा है। ओके, जो नदी का पानी है, ज़मीन का पानी है, ऊपर से रिस रहा है यहाँ पर। ये देखिए ऊपर से पानी रिस रहा है, ये बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों। इसको थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड में अगर ले हम,
बहुत खूबसूरत। वाह, अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। आइए चलते हैं इधर, ये फिसलन भरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर एक्चुअली गुफाएं बनी होंगी। ये देखिए, अंदर चलते हैं। वाह, क्या सुंदर जगह है ये, ज़बरदस्त दोस्त, बहुत प्यारी जगह है ये। और ये सभी पांडव उसकी केव है, उस समय उन्होंने अपने रहने के लिए ये गुफाएं बनवाई थी। देखिए बहुत सुंदर, ये पांडव उसकी केव है, यहाँ पर पांडव आए थे, पांडवाज आए थे और उन्होंने यहाँ पर रहने के लिए अपनी जगह बनाई थी। वो भटक रहे थे इधर से उधर, तब वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर भी आए थे, यहाँ पर वो बसे और यहाँ पर उन्होंने अपनी गुफा बनवाई, यहाँ वो रह रहे थे। और देखिए दोस्तों कितनी प्यारी ये जगह है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिकल प्लेस है दोस्तों ये। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिए, सिर्फ 25 रुपये टिकट है और यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। सब लकड़ियाँ और तनस भरा पड़ा है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बस सांप हो सकते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। ये देखिए सिर्फ लकड़ियाँ भरी पड़ी है, लकड़ियाँ और तनस यहाँ पर भरा पड़ा है। अब ये पता नहीं इसको ऐसा क्यों रखा गया है, साफ़ सफाई क्यों नहीं की गई है, पर ये अच्छी जगह है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर आइए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पन्ना। ये देखिए दोस्तों, ओके, मतलब वहाँ पर भी गुफा है, छोटे छोटे मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं। एक्चुअली ये टूटा हुआ है तो कोई हादसा ना हो जाए, ओके, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस से, प्रोटेक्शन पर्पस से वहाँ पर ऊपर जाना फ़िलहाल मना है। पर दोस्तों ये जगह जो है अपने आप में बेहद सुंदर है, बहुत खूबसूरत ये जगह है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ पर विज़िट करें, इससे बेहतर जगह तो शायद कहीं और नहीं मिलेगी। ये देखिए दोस्तों कितने ऊंचे ऊंचे ये पेड़ हैं, ये देखिए, वाह, ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे ये पेड़ हैं दोस्तों। और कुछ यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं आपको। तो गाइज़ यहाँ की मिली जानकारी के अनुसार बारिश में ये पूरा भर जाता है और काफ़ी वाटर का फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है वाटर का। और अगर आप बारिश में आते तो ये हमेशा शुरू रहता है, बंद कभी नहीं होता। तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, बारिश में भी आ सकते हैं, पर आपको ऊपर से ही खड़े रहकर ये सारा नज़ारा देखने को मिलेगा और वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि हम जो देख रहे हैं अभी ये थोड़ा सा पानी है, बारिश में आप देखोगे तो सैलाब रहेगा पानी का और वो अपने आप में एक अलग ही मज़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर आइए, बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत अच्छी खूबसूरती है, नेचर बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ पर तो आप पूरा दिन बिता लेंगे पर बोर नहीं होंगे। और गर्मी के दिनों में तो ज़रूर आइए, इतना इतनी ठंडक है यहाँ पर, बहुत ठंडक है दोस्तों। तो यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ की जगह का आप ज़रूर आनंद उठाइए। तो अब आप सोच सकते हैं कि पांडवों ने क्यों ये प्लेस चुनी होंगी, ये है ही जन्नत, ये जन्नत से बढ़कर है दोस्तों, इसलिए ये जगह उन्होंने चुनी है और वो यहाँ पर रहे हैं। तो बहुत सुंदर जगह है, ओके। और ये जो झील है, ये जो आप देख रहे हैं झील, ये झील काफ़ी गहरी है दोस्तों, ये 40 फीट गहरी है, बहुत गहरी है। तो वाटर के प्रेशर से ये और गहरी होती चली जाती है बारिश के दिनों में, ओके। तो अब आइए चलते हैं और यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। ये है राजकुमार भाई, ये यहाँ के प्रसिद्ध गाइड है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कभी भी यहाँ पर आते हैं, ओके, यहाँ पर घूमने के लिए, तो राजकुमार भैया को पूछिए, राजकुमार जी कहाँ मिलेंगे, और उनको गाइड कीजिए, उनसे आप सलाह लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। मैंने इनको काफ़ी लोगों को गाइड करते हुए देखा है और इसलिए मैंने कहा है कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आप गाइड कर देंगे, और उन्होंने कहा है बिल्कुल हाँ, वो मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करने वाले हैं। तो आपको इस जगह की पूरी जानकारी राजकुमार भैया बताएंगे, तो आइए ये जगह की पूरी जानकारी सुनते हैं खुद हम उनकी जुबान। नमस्कार सर जी, मेरा नाम है राजकुमार यादव, मैं पन्ना नेशनल पार्क का नेचर गाइड हूँ। और ये अपना जो पांडव वाटरफॉल है, पन्ना टाइगर का एक कोर एरिया है, जो ये 12 महीना खुला रहता है टूरिस्ट के लिए।
और किसी भी टाइम में टूरिस्ट आ सकता है, कोई भी सीजन में आ सकता है। और ये पांडा वाटरफॉल कभी भी बंद नहीं होता है, और जब यहाँ पर ज़्यादा पानी आ जाता है तो लोग ऊपर से देखते हैं सर, जो टॉप वाला माउंटेन दिखता है उधर से देखते हैं। तो जब यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो बड़े भावुक होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। नेचर है, पन्ना टाइगर का बहुत अच्छा जंगल है। यहाँ का जो इतिहास है बताया गया है कि जो अपने पांडवों का जो 12 वर्ष का वनवास है उसके लास्ट समय एक बस अज्ञातवास दिया हुआ था, तो अज्ञातवास के टाइम में उनको ये शर्त रखी हुई थी कोई आपको देख लेगा, कहीं पहचाने जाएंगे तो आपको दोबारा वनवास हो जाएगा। तो पांचों पांडव माता द्रौपदी जो अपने ऊपर का पहाड़ दिखता है ना, ये पूरा विंध्याचल माउंटेन है जो सर, ये विंध्याचल माउंटेन है। विंध्याचल, हाँ, ये देखिए ये जो माउंटेन है ये विंध्याचल माउंटेन दिख रहा है। ये विंध्याचल श्रृंखला अपने चित्रकूट तक लगा हुआ है, ये यूपी जो चित्रकूट पड़ता है वहाँ तक लगा हुआ है। जैसे कि सतपुड़ा पर्वत, हाँ जी जी जी, हाँ जी, ऐसे ही हमारा ये पर्वत जी श्रृंखला है जी सर। और ये श्रृंखला चित्रकूट तक लगी हुई है जी जी जी। ये श्रृंखला कहाँ से? ये पन्ना टाइगर रिजर्व का 1593 किलोमीटर का एरिया है। अच्छा। जो ये कम से कम 4-5 जिलों कवर करता है। 1593 किलोमीटर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइगर रिजर्व, हाँ टाइगर रिजर्व। ये सर दो पार्ट में बटा हुआ है, कोर एरिया बफर एरिया। अच्छा। तो जो कोर एरिया है वो 543 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया 1050 वर्ग किलोमीटर। अच्छा। और जिसमें वो 20% अलाउ है सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, 20% अलाउ है घूमने के लिए। तो उसमें जंगल सफारी होती है, जो हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व में है वो करीब 80+ के ऊपर टाइगर हो चुके हैं। और हाँ जी सर, और हमारे यहाँ टाइगर देखने में बहुत आसानी से दिख जाते हैं, क्योंकि जो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर जो हमारे एक कैन रिवर है, कैन नदी है, जो हमारे बहुत जीवनदायिनी मानी गई है, उसमें सबसे ज़्यादा गर्मियों के टाइम में बड़ी आसानी से दिख जाते हैं। और जानवर अभी भी बहुत आसानी से दिखते हैं, अभी 1 अक्टूबर को दोनों टाइम साइडिंग हुई है, मतलब मॉर्निंग इवनिंग, और अभी भी साइडिंग कंटिन्यू चल रही है। तो हमारे पन्ना टाइगर टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है सर। और यहाँ अब पांडव वाटरफॉल के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि यहाँ का जो इतिहास है बताया गया है कि जो अपने पांडव का जो 12 वर्ष का वनवास उसके लास्ट समय एक बच्चा अज्ञातवास दिया हुआ था, तो अज्ञातवास के टाइम में उनको ये शर्त रखी हुई थी कोई आपको देख लेगा, कहीं पहचाने जाएंगे तो आपको दोबारा वनवास हो जाएगा। तो पांचों पांडव माता द्रौपदी जो अपने ऊपर का पहाड़ दिखता है पूरा विंध्याचल माउंटेन है। तो विंध्याचल माउंटेन पे पांचों पांडव माता द्रौपदी भ्रमण कर रहे थे, गुप्तचर ढूंढ रहे थे छुपने के लिए, कि ताकि हमको कोई ढूंढ ना सके। तो विंध्याचल माउंटेन से देखा पांचों पांडव माता द्रौपदी जी ने, तो उनको यहाँ पर पूरा ड्राई एरिया दिखता है, सूखा दिखता है। अच्छा। हाँ, तो माता द्रौपदी जी ने बोला पांचों पांडव से, कुछ पानी के लिए उपाय कीजिए, इनके बिना पानी के बिना जीवन असंभव। हाँ, हाँ। तो ऐसा कहते हुए इस झील में भीम ने अपने गधे के प्रहार से पानी निकाल लगाया था। भीम ने अपने गधे के प्रहार से जी 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 इस झील में पानी निकाला। जी जी जी, ये बहुत, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा। तो तभी से इसका नाम पांडा वाटरफॉल नाम दिया गया। अच्छा, अच्छा। फिर इसके बाद सारी लीला करने के बाद माता द्रौपदी जी ने बोला पांचों पांडव से कि आपके नाम से तो पांचों पांडव का नाम रखा गया है। हाँ। आपने यहाँ पानी निकाला है। हाँ। और मेरा कहीं नाम नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मेरा भी आपके साथ में नाम होना चाहिए जी। तो जाते समय इस पहाड़ में अर्जुन ने तीर छोड़ा, ये वाला। अच्छा, ये देखिए सर, इस पहाड़, हाँ जी, ये अर्जुन के निकाला हुआ पानी है। अच्छा। ये वाला सामने जो आ रहा है ना, ये अर्जुन के निकाला हुआ पानी, अर्जुन ने तीर छोड़ा जी, ये अर्जुन ने अपने तीर से पानी निकाला है। ये पानी इसलिए निकाला है, माता द्रौपदी जी ने बोला पांचों पांडव से कि मैंने आपके साथ में 12 वर्ष का वनवास, एक वर्ष अज्ञातवास बताया है, तो मेरा भी आपके साथ में कुछ नाम होना चाहिए जी। तो फिर जाते समय इसी पानी में माता द्रौपदी ने अपना वरदान छोड़ा कि आने वाले भविष्य में पति पत्नी के बीच में पारिवारिक के लोग इस पानी को पियेंगे आपस में, तो उनका प्रेम बना रहेगा। हमारे बहुत जो सीनियर गाइड हैं, उन लोगों ने इसको प्रूव किया है कि कई लोग जो डिवोर्स होकर गए हैं, बाद में वो यहाँ मिठाइयाँ बांटने के लिए आए हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि जो पति पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, यहाँ आइए और ऐसे यहाँ का पानी पिए। हाँ। तो आपका कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा सर। क्या बात, ये क्या बात, ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी जी सर। तो जी हाँ बिल्कुल सर। फिर इसके बाद सारी लीला करने के बाद जब वो फिर यहाँ से चले गए पाँचों पांडव माता द्रौपदी जी, तो फिर यहाँ राजाओं का शासन आया। अच्छा, तो द्रौपदी का नाम नहीं मिला क्या? माता द्रौपदी जी का नाम इसलिए इसी में मिला हुआ है कि माता द्रौपदी ने इस पानी में वरदान छोड़ा कि आने वाले भविष्य में पति पत्नी के बीच में जो इस पानी को पियेंगे तो उनका आपस में प्रेम बना रहेगा। अलग से कोई नाम? हाँ नहीं नहीं, द्रौपदी फॉल नहीं है इस पानी को, अपन केवल ये कह सकते हैं कि अर्जुन ने अपने तीर से पानी निकाला था। द्रौपदी फॉल नहीं, हाँ द्रौपदी फॉल नहीं बोलेंगे, कहेंगे तो पांडव वाटरफॉल। नहीं नहीं, ये नहीं कहेंगे, लेकिन द्रौपदी जी ने इसमें वरदान छोड़ा है तो इसलिए उसमें उनमें उनका नाम जुड़ गया, माता द्रौपदी जी का जी। ये नहीं कहेंगे कि मतलब द्रौपदी फॉल है। तो फिर सारी लीला करने के बाद जब वो यहाँ से चले गए पांचों पांडव माता द्रौपदी जी अपने अज्ञातवास होने के बाद, तो फिर यहाँ राजाओं का शासन आया।
दो जो हमारे पन्ना के महाराजा छत्रसाल थे वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आया करते थे। तो उसी टाइम पर जब वो इधर आए तो उनको यहाँ शिकार करते वक्त उनको पांचों पांडवों की मूर्ति मिली हुई थी, जैसे वो रखी सर वहाँ पर देखिएगा ये वाले सामने जो वो मूर्ति दिख रही है ना गुफा के अंदर, वो जी छोटी छोटी जी जी वो मंदिर जैसा, हाँ वो मंदिर है लेकिन वो उसके अंदर जो मूर्ति रखी है, इसके अंदर मूर्ति है जी, वो नेचुरल है, वो राजाओं को इसी प्लेस में मिली हुई थी जो जंगल के बीच में अपनी मूर्ति यहाँ बना के रखी, हाँ उन्होंने वो अपना एक पहचान छोड़, हाँ ये अपनी पहचान छोड़ के गए। जो छोटी छोटी मूर्ति रखी है वो पांचों पांडवों को, वो राजाओं को मिली हुई थी, वो इसलिए छोड़ के गए हैं ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर पांचों पांडव आए हुए हैं, ये अपने निशानी छोड़ के गए हुए हैं। तो वो राजाओं द्वारा वो स्थापित किए गए हैं, वो पांचों पांडव की मूर्ति है। फिर वो कंटिन्यू यहाँ रुकने लगे, वो शिकार करने लगे, उनको शिकार करने में दिक्कत होती थी तो उन्होंने हंटिंग लॉज बनवाई शिकार गए। अच्छा ये वाला ये उनका नहीं है, ये पूरा राजाओं द्वारा बनाया गया, ये पूरा राजा, हाँ ये नेचुरल नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये बाद में पांडव के बाद राजाओं द्वारा मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई राजा द्वारा किया, बाकी इसके अंदर जो, हाँ ये वो नेचुरल है, हाँ वो नेचुरल है, हाँ वो नेचुरल है, ये वाला पूरा जितना दिख रहा है सब नेचुरल है, और ये वाला राजाओं द्वारा ही हंटिंग लॉज है, शिकार गए वो इसी में बैठ के जी 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 वो इसी में बैठ के वो शिकार किया करते थे। कोई भी जानवर आता था गर्मियों के टाइम में तो इसी में बैठ के वो निशाना लगाया करते थे, क्योंकि गर्मियों में कभी यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता, कोई भी सीजन में आ सकते हैं आप लोग। और सर सभी नमस्कार, यहाँ की जानकारी के लिए समाप्त। और ये मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर भी है, किसी को आना चाहते हैं तो मेरा इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर बोल जी 8085600973। तो देखिए राजकुमार यादव जी ने आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी बता दिया है जी, उन्होंने बोल भी दिया और मैं स्क्रीन पर भी आपको शो कर रहा हूँ, तो ये नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर आप कभी यहाँ पर पन्ना में आते हैं और यहाँ के झरनों के दर्शन करते हैं और तो टाइगर सफारी भी करना हो, और या फिर टाइगर सफारी करना हो आपको, या फिर यहाँ के लिए घूमना हो तो आप यादव जी से, राजकुमार यादव जी से आप संपर्क करें, उनका नंबर जो है स्क्रीन पर है, उनसे संपर्क करें और फिर उनसे बात करके आप यहाँ की पूरी जानकारी पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व में जो टाइगर साइटिंग है बहुत ज़्यादा, अभी पन्ना हमारे एमपी में टॉप में चल रहा है टाइगर साइटिंग अच्छा, अभी क्योंकि जो कान्हा बांधवगढ़ पैंच है तो वहाँ से अच्छे, अभी 1 अक्टूबर को जो दोनों टाइम साइटिंग हुआ है जो हमारे पन्ना में हुआ है सर। अरे बाबा जी, तो दोस्तों घूमने आए पर जानकारी नहीं ली तो घूम के कोई मतलब नहीं, तो आप जब भी आइए राजकुमार जी से संपर्क करें और उनसे गाइड लें यहाँ के, क्या जो अपने पन्ना टाइगर रिजर्व में हमारे जो रॉक्स हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा 5 प्रकार के, हाँ, हाँ। जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है जो केम्बल लाइट, जो वर्ल्ड में फेमस है केम्बल लाइट होता है जिसमें डायमंड निकलता है। अच्छा, वो हमारे डायमंड माइंस भी है, लोग टूरिस्ट देखने के लिए वो भी आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं, बाहर से विदेश से आते हैं, जो फॉरनर आते हैं उसको देखने के लिए जाते हैं, तो वो डायमंड माइंस हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस है सर, तो वो हमारे जो केम्बल लाइट में निकलता है वो डायमंड माइंस देखने के लिए लोग जाते हैं कि कैसे डायमंड निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, वो कैसा होता है, लोगों ने कभी देखा नहीं है तो वो लोग देखने के लिए जाते हैं, वो उसी को लोग हम लोगों को दिखाने जाते हैं सर। अच्छा, अच्छा। और ये फिर दूसरा रॉक्स होता है लाइमस्टोन, जो ये दिख रहा है ये पूरा लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर। और एक होता है सेलेस्टोन, फिर स्टेलेक्टाइट जो ये दिख रहा है लटका हुआ है ये वाला है, ये एक बलुआ पत्थर होता है। अच्छा रेती वाला पत्थर, हाँ ये वाला जो पानी को पीता, हाँ अंडर वो क्या करता है बरसात के टाइम में वाटर को अब्जॉर्ब करता है, कंटिन्यू रिलीज करता है, रिलीज करता है जी 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 जी। और ये जो बालू के पत्थर, हाँ जी ये पचमढ़ी में बहुत पाया जाता है। हाँ जी ठीक है सर, नमस्कार आपके लिए। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव बना है इसलिए लंबा बना है जी, ठीक है। तो गाइज मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और राजकुमार भैया के द्वारा दी गई जानकारी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। आई होप दैट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, मेरे चैनल में अगर आप पहली बार हैं या फिर मेरे वीडियोस को आप देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। तो गाइज आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरे ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉग को। इसके बाद हम और भी बहुत जगह घूमने वाले हैं और वहाँ के सभी वीडियोस बनाएंगे। ये सीरीज़ हमारी जबलपुर की बरगी डैम से शुरू हुई है और ये काफ़ी सारे इस सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियोस हम कंटिन्यूसली अपलोड करते जा रहे हैं, तो ज़रूर वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नई नई जगह के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, ओके मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। सो तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, लव यू दोस्तों।